Welcome to SJ Inceptions, your aquarium channel. I am at Aakar Aquarium Nature Aquarium Gallery and Shop, जो बोरीवली ईस्ट में है. और आज हम आकार एक्वेरियम की नेचर गैलरी देखने वाले हैं. इनके पास काफ़ी कमाल के सेटअप्स हैं जो आज हम इस वीडियो में देखेंगे. तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो आज का बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत और कमाल के नेचर एक्वेरियम से इनके पास. तो आज के इस वीडियो में हम पूरे सेटअप्स इनके देखने वाले हैं. दिस वीडियो इज़ अबाउट आकार एक्वेरियम नेचर एक्वेरियम गैलरी एंड शॉप. और आकार एक्वेरियम जो है ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर है ADA के प्रोडक्ट्स के. So I have stepped inside and here is the beautiful nature aquarium gallery of Aakar Aquarium Fish Shop. यहाँ पे आपको ADA के सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे. और सबसे पहले मैं आपको इनके सारे खूबसूरत नेचर एक्वेरियम्स दिखा देता हूँ. काफ़ी कमाल के सेटअप्स हैं इनके पास और आपकी जो है नज़र नहीं हटेगी इनके सेटअप्स देख के. ये वाला सेकेंड टैंक है इनका. आकार नेचर एक्वेरियम गैलरी बोरीवली ईस्ट में है और आपको इनका फ़ोन नंबर्स और एड्रेस जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इन केस इफ़ यू वांट टू विजिट द गैलरी. एंड दे आल्सो हैव अ फिश शॉप व्हिच इज़ बिसाइड्स दिस नेचर एक्वेरियम गैलरी. सो अभी मैं आकार नेचर एक्वेरियम गैलरी के ओनर के साथ हूँ. यहाँ पे है मिस्टर राजन सर. हेलो सर. जी तो राजन सर, लास्ट टाइम जो है हमने आपकी आकार एक्वेरियम की फिश शॉप कवर की थी और हम आज जो है आपकी नेचर गैलरी कवर करने वाले हैं. तो सबसे पहले हमारे व्यूवर्स को क्या आप बताना चाहेंगे कि क्या क्या हमें मिलेगा आपके नेचर एक्वेरियम गैलरी में? देखो नेचर जो मेरा जो गैलरी है एक्चुअली फुल ADA शॉप है. इधर आपको खाली ADA प्रोडक्ट्स जो भी प्लांटेड एक्वेरियम जी, उसमें सॉइल है, बाद में सब्सट्रेट है, बाद में लाप लाटा वगैरह, बाद में ADA स्टोन है उसमें. ओके बराबर है. जो कोके है, जुमा है, बाद में की रॉक्स है जी जी, बाद में आपका बायोलियो जो फिल्टर मीडिया है जी जी. आप इवन आप नेट पे भी टाइप करेंगे कि बेस्ट मीडिया तो जी जी बेस्ट मीडिया ADA ही आएगा. ओके बेस्ट एक्वेरियम तो ऑफकोर्स ADA ही आएगा जी जी. मैं यही कहना चाहता हूँ ADA इज अ ब्रांड एक्चुअली. ओके तो इसके लिए आप कोई बेस्ट डालेंगे तो उसके आगे ADA लग के ही आता है जी जी. ADA इज अ बेस्ट एक्चुअली. ओके और मैं बहुत ही उत्सुक हूँ, एक्साइटेड हूँ आपके नेचर एक्वेरियम देखने में और आपसे जो भी नॉलेज हमें मिल सके उसे जानने में, क्योंकि बहुत लोगों ने आपकी तारीफ़ की है कि राजन सर के पास बहुत ही कमाल के सेटअप्स मिलते हैं और काफ़ी नॉलेजेबल हो आप, आपको इन सब के बारे में बहुत ही नॉलेज है. तो हम आपसे जानना चाहेंगे इसके बारे में. तो बढ़ते हैं आपके सारे नेचर एक्वेरियम के पास. सो अब हम देखेंगे सारे नेचर एक्वेरियम और राजन सर से हम जो है इनकी जानकारी हासिल करेंगे, जो बेसिक्स होते हैं नेचर एक्वेरियम के बारे में और जो इनके जो नेचर एक्वेरियम्स हैं क्या क्या सेटअप्स है और क्या क्या प्लांट्स और क्या क्या इसके अंदर है वो सब हम जानेंगे, बेसिक्स ऑफ नेचर एक्वेरियम कीपिंग. राजन सर सबसे पहला टैंक हम यहाँ पे देख रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? देखो सर ये जो है ना ये जी जो टैंक, इसको बोलते हैं 75 feet. ओके ADA ये टैंक जो है ना जी, ये टैंक का डायमेंशन है आपका, जनरली हम लोग इंचेस में बोलेंगे ना जी जी, तो ये है एक 2.5 inches. ओके बाई 18 by 18. ओके जैसे हम लोग इंचेस में चलते हैं लेकिन ADA जो है ना जी सेंटीमीटर में चलता है. ओके इसके लिए वो उन लोग एक्चुअली आप लोग इसको बोलते हैं 75 by, बराबर ये जो है जी जी, ये आपका 45 by 45 है. ओके ये सेंटीमीटर हो गया. ओके ये 2.5 feet का टैंक है. ओके बीच में आप देख रहे हो कि दिस इज लाप लाटा एक्चुअली. लाप लाटा हाँ, इसको डेकोरेटिव सैंड बोलते हैं. ओके ये आपको प्लांटेशन में कुछ काम का नहीं आता है, लेकिन डेकोरेटिव सैंड है जस्ट टू फील लाइक अ बीच. आपको लग रहा है कुछ बीच है बराबर है ऐसा. आप जो पीछे आप देख रहे हो जी जी, वो व्हीपिंग मॉस है. ओके और इसके पीछे जो आप देख रहे हैं ग्रास जैसा जी जी, बराबर है. वो अभी ना नया प्लांट आया. ओके ADA का ही प्लांट है. ओके ये इसका नाम है लिटोरिया लिटोरा. ओके उसके बाद में आप पीछे के साइड देख रहे हो वो सब जो है ना सब लोटालाज है. ओके अभी ये लेफ्ट साइड में रेड वाला है कॉर्नर में जी जी, बराबर है. वो आपका है HR लोटाला HR है, बराबर है. उसके बाद में सेकंड जो है बड़े स्टोन के पीछे आप देख रहे हो, बराबर है. वो है आपका रोटाला पिंक. ओके ओके उसके बाद में जो है आपका थर्ड वाला जी, वो है आपका रोटाला फ्यूजन. ओके और बाद में जो बचता है लास्ट वाला जो मैंने राउंड किया है जिसको अभी मैं ट्रिम करके पूरा राउंड बनाऊंगा, बराबर है. तो आप जो देख रहे हो ब्यूटीफुल प्लांट जो है उसको बोलते हैं रोटाला इंडिका जी जी. ओके अभी और जो आप स्टोन देख रहे हो जी, ये जो स्टोन है ना स्टोन को बोलते हैं कोके. तो कोके स्टोन का एक स्पेशलिटी है कि वो
उसके ऐसा एक फाइन लेयरिंग आता है अलगी जैसा जी जी, तो ऐसा लगता है कि हम लोग रेनी सीजन में ऐसा स्टोन देखते हैं उसमें अलगी आया हुआ रहता है, तो आप ऐसा फील कर रहे हैं, नेचुरल लुक आ जाता है, नेचुरल लुक आ जाता है, ऐसा लगता है कि हम लोग यानी रेनी फॉरेस्ट बराबर है जी जी, वैसा लुक आ जाता है उसमें, उसका स्पेशलिटी हुआ एक्चुअली उसको बोलते हैं कोकी रॉक, दैट इज अ कोकी रॉक एक्चुअली। ओके, और फिशेस क्या क्या है इसके अंदर? ये जो है आपका आप देख रहे हैं व्हाइट फिन टेट्रास है, ओके, बाकी कांगो टेट्रास है। ओके, तो ये था पहला टैंक, अब हम बढ़ेंगे अगले टैंक के ऊपर। सो अभी हम बढ़ेंगे अगले एक्वेरियम की तरफ। राजन सर क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? देखो सर, ये जो है ना एक्चुअली दिस इज अ डच एक्वेरियम, ये जो स्टाइल है जी इसको डच स्टाइल बोलते हैं, जो पहला वाला आपने देखा दैट इज नेचर एक्वेरियम। ओके ओके, एडी इज अ फेमस फॉर नेचर एक्वेरियम, लेकिन मैं चाहता था कि ये टैंक बना के कि कलर्स ऑफ प्लांट्स जी जी जो दिखने चाहिए बराबर है, इसमें आप देख रहे हो कि वराइटीज ऑफ प्लांट्स है जो कि आपको नेचर एक्वेरियम देखने में मिलते नहीं जी जी, नेचर एक्वेरियम मिनिमम ज्यादा हम लोग तीन टाइप चार टाइप प्लांट बराबर डाल सकते हैं जी जी, टैंक बड़ा रहेगा तो भी एक छः सात वराइटीज आप जो देख रहे हो मेरे सबसे एक 25-30 वराइटी आप देख रहे हो जी जी, दिस इज कॉल्ड डच एक्वेरियम, डच एक्वेरियम हाँ, डच DUCH। ओके, तो इसमें आप देख रहे हो मैंने ग्रीन रेड ग्रीन एंड कॉम्बिनेशन किया हुआ है जी जी, और इससे मालूम पड़ता है कि कितना वराइटी प्लांट्स में आता है जनरली, जो मेरे क्लाइंट्स आते हैं जी जी, उन लोगों को वराइटी ऑफ प्लांट्स मालूम पड़ता है इसमें, कि आप अगर पूछेंगे तो ये आप इधर देख रहे हो बराबर जी जी, ये मोरोसम मैक्रांदम है, उसके पीछे जो है मरमेड व्हील है बराबर, बाद में उसके पीछे आप देखेंगे तो बेलास्मिका है बराबर है, बाद में आप ये प्लांट जो देख रहे हो ये आपका हाइग्रोबिला टाइगर है, ओके, उसके पीछे आप देख रहे हो वो पर्पल वीड है, उसको हम लोग मैक्रानम मैक्रानम बोलते हैं बराबर है, उसके पीछे आप जो देख रहे हो वो क्यूबा बोलते हैं उसको बराबर है, उसको वो काफी ब्यूटीफुल प्लांट है, अभी एक्चुअली फॉर्म में नहीं आया है, आप देख रहे हो लास्ट में ये हो जाएगा बराबर है, क्लास दिखते हैं और प्लांट पूरा रेड हो जाएगा। इसके बाद में ये जो प्लांट आप देख रहे हो थर्ड वाला बराबर है जी, जो ऐसा काटे काटे वाला दिख रहा है, काटे वाला दिख रहा है, ये जो प्लांट है ना इसको बोलते हैं इलियोकुलम, लेकिन ये प्लांट ना अब इसके बारे में आप उसको समझाता हूँ मैं, ये प्लांट एक्चुअली सीजनल प्लांट है, ओके, ये खाली आपको रेनी सीजन में ही आता है जी, बाकी मिलता नहीं प्लांट से, एनीवे काफी डिफिकल्ट प्लांट भी है और रेयर प्लांट है, ओके, उसके पीछे आप देख रहे हो ग्रैंडुलोसा है, ओके, ग्रैंडुलोसा मतलब बहुत डिफिकल्ट प्लांट, लेकिन आप कलर देखो उसके ब्यूटीफुल कलर है जी जी बराबर है, और उसके पीछे जो है वो आपका गोल्डन देसिया बोलते हैं उसको, ओके बराबर है, वो गोल्डन देसिया है, उसके बाद अभी दिख रहे हो बराबर, उसके बाद में जो क्रिप्टोग्रेन जी जी, इसको क्रिप्टोग्रेन बोलते हैं इसको, ओके बराबर है, और ये उसके पीछे आप जो दिख रहे हो वायनाड है, ओके, और उसके पीछे रोटाला मैक्रांडा है, ट्रू रेड बोलते हैं उसको, ओके हाँ, इस उसके आगे हम लोग आएंगे तो ये जो प्लांट है बराबर है, इसको बोलते हैं पोगो, पोगो डोनी, ओके, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्लांट, ये प्लांट अगर आप हार्ड वाटर में करेंगे ना तो काफी अच्छा हो जाएगा, ये एक्चुअली ये पर्टिकुलर प्लांट थोड़ा हार्ड वाटर लगता है जी जी बराबर है, उसके पीछे जो प्लांट आप देख रहे हो बराबर है जी, दैट इज अमानिया सुलावेसी, ओके ओके, और उसके पीछे जो प्लांट आप देख रहे हो बराबर है एग्जैक्टली, ओके बराबर है, वो आपका लोटस नाजियाशन है, ओके, आप इसके बाद में एक प्लांट देख रहे हो जो टाइगर लोटस बोलते हैं हम लोग इसको, टाइगर देने का प्लांट है, ओके, एक्चुअली वो प्रपोर्ट हुआ भी नहीं, आपसे कलर देखो तो एक कलर एक्चुअली 10-20% है, ओके, ब्यूटीफुल कलर आता है इसमें जी जी बराबर है, और थोड़ा बड़ा भी होगा ये, ओके, थोड़ा जस्ट मैंने लगाया थोड़ा ये हो रहा है, उसके पीछे आप देख रहे हो एग्जैक्टली लिली जैसा ही ग्रीन पत्ते वाला है, ओके, उसको बोलते हैं निम्पिया बोलते हो प्लांट को, उसका कॉमन नाम है फ्लिपर लिली, और उसके पीछे जो आप रेड वाला प्लांट देख रहे हो बराबर है, वेरी कॉमन प्लांट एक्चुअली, लेकिन वेरी ब्यूटीफुल, मोस्ट ऑफ स्केप में आप देखोगे यानी मेरे ही नहीं बाकी भी आप ऑनलाइन या जो भी है यूट्यूब पे आप देख रहे हो जी जी, उसमें मैक्सिमम आप प्लांट दिखेगा वो प्लांट है आपका रोटाला एचआर, वेरी ब्यूटीफुल प्लांट, ओके, उसके बाद में जो आगे यानी हम लोग आगे का प्लांट बारे में बात करेंगे जी जी, ये जनरली पीछे जो प्लांट देख रहे हो लिली के बाजू में परफेक्टली है जी जी बराबर है, वो टेनुलस है, ग्रीन टेनुलस बोलते हैं, ओके ओके, और उसके पीछे जो है वो आपका रोटाला है, रोटाला रिपेंस बराबर जी जी, जो रोटाला रिपेंस है वो यानी उसको रूबिन रेड भी बोलते हैं, ओके ओके, उसके पीछे जो है पीछे आप देख रहे हो वो आपका ये मेरिफिल्म है जी जी, ओके, तो आदमी हम लोग आगे पहुँच आते हैं, अब ये जो प्लांट है रेड वाला आप देख रहे हो बराबर है जी जी, वो आपका ये है आपका ये जो प्लांट जी है जी ना ये अल्ट्रा लांसर रेनी की मिनी है, ओके, और वेरी नेक्स्ट उसके पीछे आप जो काटे जैसा प्लांट देख रहे हो जी जी, दैट इज नॉट रोटेला एक्चुअली दैट इज रेक्टस, पोगोस्ट्रोम रेक्टस बोलते हैं उसको, ओके ओके, उसके पीछे जो प्लांट देख रहे हो मेरे हिसाब से ये प्लांट आपको किधर बहुत रेयर देखने मिलेगा, दैट इज कॉल्ड नेसिया, ओके ओके, आप अगर एक प्लांट को कंपेयर करेंगे तो अमानिया जो कलर अमानिया बोलते हैं जी जी, वो प्लांट आप मैगजीन आपको देखने को मिलेगा, ओके, ये जो सबके पास है जनरली उसका एक थोड़ा सा ऐसा ऑरेंज शेड आता है, लेकिन आपके साथ शेड देखो पूरा अलग शेड है, इसका स्टेम से पूरा रेड है, इसका कलर भी एकदम मरून रेड आ रहा है, वो नेसिया प्लांट है मेरे हिसाब से, ये प्लांट शायद
आपको किधर देखने को नहीं मिलेगा। ओके ओके, उसके बाद में एक तो प्लांट डेक्स है जापानी का आगे जो है, ओके बराबर है, और उसके पीछे जो है वो आपका ये है लुडविगिया आर्कुटा। ओके ओके, और लास्ट वाला जो प्लांट बाजू में देख रहे हो जी, दैट इज रोटेला सिलोन। ओके, और अभी आपका एक ही प्लांट इसमें बच गया, मैंने मेंशन नहीं किया, और दैट इज एक्चुअली आपका ये है ग्लोसोस्टिग्मा। ओके, ये अब इसी ग्लोसोस्टिग्मा अगर मैं बात करता हूँ, ग्लोसोस्टिग्मा एक्चुअली इज अ वेरी हाई लाइट प्लांट, हाई CO2, एंड इसका जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट पे है वो भी एक्चुअली 26 है। तो अगर ये प्लांट आप करना चाहते हैं वो तो आपका घर का टेम्परेचर उतना मेंटेन रहना पड़ेगा आपको, उसको आपको हाई लाइट देना पड़ेगा, हाई CO2 देना पड़ेगा। ओके, उसमें काफ़ी बड़े ऐसे आते हैं कि जिसका अगर आप प्लांट की अगर बात करता हूँ मैं जी, तो काफ़ी प्लांट्स ऐसे हैं कि इसका रिक्वायरमेंट में जाना पड़ता है। okay. अभी ये फॉर एग्जांपल ग्लोसो का मैं बात करता हूँ, तो ग्लोसो इज अ वेरी हाई डिमांडिंग प्लांट। ओके, हाई लाइट, हाई CO2, वही जगह अभी हम लोग आगे भी बात करेंगे, मेरे बाकी सेटअप्स है, तो जो आगे के सेटअप में हम लोग जाएंगे उस सबसे मैं आपको बता रहा हूँ कौन से कार्पेट के क्या एसिडिटी है। एक्चुअली राजन सर मैं बताना चाहूँगा, बहुत ही कमाल का सेटअप बनाया है आपने, और इतने सारे आपको जो है नाम पता है इनके याद है, पर उससे ज़्यादा इनको किस तरह से प्लेस करना है, क्योंकि मुझे मेरे हिसाब से कि हम कोई भी प्लांट साथ नहीं रख सकते, राइट? तो वो भी एक स्किल होता है कि कौन सा प्लांट साथ में रखना है और उसको कैसा मेंटेनेंस करना है, कैसे उसको बढ़ाना है। काफ़ी खूबसूरत कमाल का सेटअप बना है आपने, जो आपके जो नॉलेज है उसको काफ़ी मतलब दर्शा रहा है यहाँ पे। लेकिन देखो जनरली क्या होता है, मतलब बाकी नेचर एक्वेरियम में आप कौन सा भी प्लांट जनरली के हम लोग 3 से 4 टाइप के प्लांट लेते हैं जी, आप उधर कैसे भी लगा दो जी, थोड़ा लुक तो प्लांट्स कैसे ग्रीनरी है तो लुक तो आएगा ही। ओके, नेचर एक्वेरियम में जब भी आप स्केपिंग कर रहे हो जी, इसका एक रूल है ओके, कि आपका जो प्लांट है ना रेड ग्रीन रेड ग्रीन कॉम्बिनेशन आपको नोटिस होने मांगता है। ओके, यही प्लांट अगर मैं ग्रीन ग्रीन लगाऊंगा तो मजा नहीं आएगा। सही बात है, लेकिन जो उसका जो मजा है उसमें क्यों मैंने क्या किया है, ग्रीन रेड ग्रीन कॉम्बिनेशन किया है जी जी, बराबर है, उसमें देखने में मजा आता है, और हर एक प्लांट का ब्यूटी जो है जी जी, वो उसमें नोटिस होता है। ओके, तो उसमें ऐसा एक्चुअली स्केप करेंगे ना डच में, उसका देखने का ब्यूटी है। अगर ये आप ग्रीन ग्रीन प्लांट रहेगा तो मजा नहीं आएगा जी जी, एक्चुअली नेचर एक्वेरियम में ग्रीन ग्रीन प्लांट चलता है, लेकिन डच में नहीं चलता है, ऐसे ऐसे ही मांगता है रेड ग्रीन रेड ग्रीन। ओके, तो बढ़ते अगली टैंक के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे अब हम अगली टैंक के ऊपर बढ़ेंगे। ओके, क्या बोलना चाहेंगे राजन सर इसके बारे में? देखो ये जो है ये इसको बोलते हैं 90p। ओके ओके, 90p बोलेंगे, तो ये जो टैंक है ये टैंक का डायमेंशन है आपका एक 90 cm x 45 cm x 45 cm। ओके ओके, दिस इज नेचर एक्वेरियम। ओके, और मैंने इसमें जो कार्पेटिंग जो किया हुआ है दैट इज मॉन्टी कार्लो। ओके ओके, मॉन्टी कार्लो, और आप देख रहे हो कि इसमें ड्रिप फूड वगैरह लगाया है, ड्रिप फूड थोड़ा मैंने बाहर निकाला है, जी जी। तो देखने के लिए थोड़ा अच्छा लगता है। ओके, तो इसके ऊपर मैंने जो लाइट्स यूज किए, इवन आपने पहले भी जो टैंक देखे जी जी, इसके ऊपर जो लाइट्स यूज किए हैं वो RGB, एडी का RGB है। RGB, हाँ, ओके। तो RGB जो है वो मेरे सबसे तो एक्चुअली प्रूव्ड है कि वर्ल्ड का सबसे बेस्ट लाइटिंग है फॉर प्लांटेशन। RGB का मतलब क्या होता है, रेड ग्रीन ब्लू, बराबर है। लेकिन अगर आप हम लोग इसे एक्सेप्ट एडी अगर बात करते हैं जी जी, तो आप कौन से भी लाइट का शो देखो उसमें आपको रेड ग्रीन ब्लू सब शेड दिखता है, लेकिन इसका आप स्पेक्ट्रम देखो व्हाइट ही आ रहा है जी जी, बराबर। लेकिन फिश में जो कलर जा रहा है, इवन आपका रेड कलर देखो कितना इनहांस है, बराबर। इवन मैंने जो मेरे ब्लड श्रिंप फ्लावर डाले हैं उनके आप कलर देखो कितने ब्राइट कलर है, बिकॉज ऑफ दिस RGB लाइट। RGB लाइट जो है ना, ये RGB लाइट आपका 2.5 feet तक आराम से पेंटेड हो सकता है, जो कि बाकी लाइट जनरली होता नहीं है जी जी। इसका स्पेशलिटी RGB का। ओके, और ये आप देख रहे हो जो क्रिप्टोस वगैरह किया है जी जी, बराबर है, वो दैट इज कॉल्ड लुसेंस, बराबर है, और उसमें बाकी जो आप अनुवेज वगैरह देख रहे हो दैट इज पेटिट, बराबर है, और उसके बाजू में आप देख रहे हो, बराबर है, पिनाट्रिपिडा। ओके, दैट इज कॉल्ड पिनाट्रिपिडा, और राइट में जो है ब्लैक सिया जापोनिका है। ओके, देखो आपने दो टैंक में आप डिटेल दिखा दूं मैं आपको, हम लोगों ने जो पहले वाला टैंक देखा 4 feet का जी जी, बराबर, उसमें आपने देखा कि राइट साइड में भी बराबर मैंने आपका ब्लैक सिया लगाया हुआ है जी जी, लेकिन वो ब्लैक सिया में आपको रेड 3 जा रहा है एग्जैक्टली, और ये आपको ग्रीन दिख रहा है, बराबर है, देखो बराबर है, ग्रीन जी जी, ग्रीन दिख रहा है, क्यों मालूम है, क्योंकि ज्यादा लाइट होने से वो जो पहले वाला जो 4 feet का जो ब्लैक सिया था वो रेडिश टर्न हो रहा है। ओके, लेकिन ये परफेक्ट लाइट है, बराबर है, तो ये लाइट में नॉर्मल जगह आप लाइट ज्यादा देते हो तो प्लांट ज्यादा टर्न रेड होगा, ये तो ग्रीन दिख रहा है प्रॉपर है जी जी, जो सेम प्लांट है सेम टाइप डिफरेंट वो दिख रहा है कितना जी जी। तो इसके पीछे जो मैंने अच्छा लगा दो प्लांट देखा, वो भी प्लांट देख सकते हो जी, एक्जेक्टली वो रेड टर्न हो रहा है, सेम प्लांट है जी, एक्जेक्टली ओके, डिफ्यूजर के लिए आगे नीचे जो लगाया प्लांट, ओके, ये जो वाला प्लांट जो है जी जी जी।
तो वो राइट टर्न हो रहा है। ओके यानी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि राइट टर्न क्यों हुआ, क्योंकि उसमें लाइट बहुत ज्यादा ब्राइट है। ओके अकॉर्डिंग टू टैंक ये जो लाइट है ना, अकॉर्डिंग टैंक परफेक्ट है, बराबर ओके है, ऐसा नहीं यानी कम नहीं है नहीं ज्यादा है। ओके यानी मैंने कहने का मतलब है जैसे आप लाइट दोगे वैसा आपका टैंक इनहेंस करेगा कलर, राइट। ये जो है आपका ग्रीन दिख रहा है उधर वही प्लांट सेम कलर को रेड दिख रहा है, इसमें फर्क है। ओके और पीछे जो मैंने प्लांट लगाया हुआ है आप देख रहे हो, बराबर है जी जी, वो आपका सनराइज है, सनराइज टोटल सनराइज। ओके राजन सर एक बात बताना चाहूँगा, आपका जो हर एक सेटअप है, हर एक सेटअप में एक अलग ही मतलब जो है आँखों को बोलते हैं आई कैची, एक मतलब आँख जो है मतलब हटती नहीं है आपके सेटअप्स के ऊपर, जो हर एक सेटअप में मतलब हर एक सेटअप में कुछ ना कुछ आँख ढूंढ रही है कि कहाँ पे देखो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मतलब अभी तक भरा नहीं है आँखों में कि मतलब देखते जाओ, इतना मतलब आपने कमाल के सेटअप्स कर रखे हैं यहाँ पे। मैं आपको पहले ही बोला देखो एक्चुअली दिस इज आर्ट, या दिस इज एक्चुअली दिस इज कॉल्ड अंडर वाटर आर्ट, राइट राइट। तो कभी भी आप इसको एक्चुअली दिस इज इमेजिनेशन आफ्टर टू मंथ्स, राइट। आपको इमेजिन करना है कि दो महीने के बाद में टैंक ऐसा दिखेगा, राइट। एक्चुअली इसलिए इसको आर्ट बोलते हैं, राइट। तो आपका स्टोन है ये है उसका एक एक्चुअली एक स्केपिंग का एक तरीका एक रूल्स है जी जी, और तो आप यूट्यूब पे देखते हो तो आपको मिल जाता है, लेकिन जनरली उसका ये है कि स्टोन कैसे होने चाहिए, रॉक्स कैसे होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखो आप इधर रॉक्स पे थोड़ा अलग ही है टैंक में, क्योंकि थोड़ा इशू था टैंक में, लेकिन तो भी आपका स्केपिंग आप देख रहे हो उसमें जी जी। तो उसमें देखो स्टोन्स किधर भी आपको कोई भी एक लाइन में दिख नहीं दिख रहा है जी जी जी। ओके अनइवन है जी, एक का भी आप लेवल में मैच नहीं कर पाओगे, राइट। ओके तो एक्चुअली नेचर में रूल ही है कि कोई भी चीज इवन नहीं रहती है, राइट। बराबर है तो अनइवन बनता है, राइट। एक्चुअली दैट इज नेचर, राइट। और ये जो आर्ट है जो हमको आपके टैंक से दिख रहा है कि काफ़ी कमाल का आपने सेटअप बना के रखा है, और जो लॉ ऑफ नेचर है उसके अकॉर्डिंग आपने बनाया हुआ है, तो जो मतलब इसके जो नॉलेज है जिसको वही ऐसा कमाल का सेटअप बना सकता है। हम मूव ऑन करेंगे राजन सर लेफ्ट साइड के टैंक के ऊपर जो यहाँ पे है। अभी आप ये जो टैंक देख रहे हो जी जी, दिस इज कॉल्ड 60p, 60p ओके, 60p मींस आपका 60p का डायमेंशन है आपका ये एक 60 इंचेस, ओके, सॉरी 60 सेंटीमीटर, ओके, दैट इज 2 फीट 23.5 समथिंग, ओके, एंड ये जो है आपका, ये जो है आपका 30 सेंटीमीटर है, ओके, ये जो है 36 सेंटीमीटर, दैट इज 14 इंचेस, एडी का ये है, ओके, इसके ऊपर इन लोग का जो टैंक एडी का जो तकाशा अमानो, जो ग्रेट तकाशा अमानो जी, उनका ये एक्चुअली एडी द ब्रांड, उनका ये ब्रांड है, ओके, उन्होंने हर एक इस पे आईडेंटिटी किया हुआ है। अब हम लोग देखेंगे जी, बराबर है। अभी मैं आपको एडी के बारे में समझाता हूँ कि बहुत कम जन को मालूम है जी जी, एडी हम लोग बोलते हैं कि डे बाई डे थोड़ा महंगा होते जा रहा है जो भी है जी जी, लेकिन उन लोगों का अगर आप प्रॉपर देखेंगे ना तो उन लोगों का स्टडी है हर एक चीज पे, और जो ब्रांड है एडीए का जी जी। अभी मैं समझाता हूँ आपको, फॉर एग्जांपल ए टैंक देखो जी जी, ए टैंक मेरे पास जो है ना कम से कम घर पे था मेरा टैंक जी जी, ये कम से कम एक ना एक 5-6 साल पुराना टैंक रहेगा मेरा, ओके ओके। लेकिन आप इसका अगर कलर चेंज देखेंगे ना जी जी, तो आपको थोड़ा सा देखो कलर में फर्क है, ग्रीन दिख रहा है जी, ओके। बाद में ना 1-2 साल के बाद में इन लोग का ए टैंक आया 4 फुट का, ओके। आप ये भी आप नोटिस करोगे ना, इसमें देखो आपका थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट ना आपको व्हाइट दिख रहा है जी जी, ओके। और इसके बाद में आप लेटेस्ट टैंक आया इन लोग का, बराबर, इसके बाद में ओके, वो और 2 साल के बाद में इसमें क्लियर देखो ग्लास में कितना क्लियरेंस, यानी ये पहला जो टैंक हमने देखा 3 फुट का वो थोड़ा सा ग्रीनिश टिंज है, ओके। उसके बाद में आप देख रहे हो थोड़ा इम्प्रूवमेंट है इसमें, उसके बाद में देखो आप इम्प्रूवमेंट है इसमें, एडीए इज फेमस फॉर दैट एक्चुअली। और मैं जी जी, और फिनिशिंग भी काफी सही होती है इनकी, एक्यूरेट होती है, अप टू द मार्क होती है जी। इन लोग एक्चुअली वो लोग इस पे बहुत ध्यान देते हैं जी जी, उन लोग का जो है ये है वो मशीन कटिंग है, राइट। बाद में पूरा पॉलिश किया हुआ है, और जो ग्लास भी यूज करते हैं, राइट, एक्चुअली दैट इज सफा है, वेरी क्लियर ग्लास। तो जो बोलते हैं कि एडीए इज ग्लास, मतलब वो ग्लास जो है हमको दिखाई देता है उनके जो है काम के ऊपर, एग्जैक्टली जी। सुराजन सर प्लांट्स के बारे में क्या बताएंगे इसके बारे में? अभी देखो अभी ये जो प्लांट के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, बराबर है, तो आप देख रहे हो कि इसमें मैंने जो प्लांट लगाया उसको बोलते हैं एचसी, हेमिंडस क्यूबा, ओके। अगर हेमिंडस क्यूबा हम लोग बात करेंगे, बराबर है जी जी, तो मैक्सिमम बैंगलोर साइड में आप सुनेंगे तो मैक्सिमम आपको दिखाया सुना ही देगा कि ज्यादा करके पब्लिक एचसी कर रहा है, ओके। तो क्यों? एक्चुअली एचसी इज अ हार्ड वाटर प्लांट, ओके। अभी आप देख रहे हो इसमें मैंने रियो डाला हुआ है स्टोन एडीए का जी, तो रियो में क्या होता है थोड़ा सा हार्डनेस बढ़ता है पानी का जी जी, ओके। इसके लिए जो एचसी जो है ना ये प्रॉपर होता है इसमें, बराबर है। बाकी ये कार्पेट एचसी है, और बाद में हम लोग जो देख रहे हैं पीछे हाइड्रोकोटाइल है, बराबर है, जो ये आता है क्रिपर जैसा प्लांट है, राइट, बराबर है, दैट इज हाइड्रोकोटाइल, ओके ओके। और हाइड्रोकोट होंडा दैट इज एक्चुअली इसमें और एक वराइटी भी आता है जिसमें टॉप भी आता है, छोटा कम छोटा साइज कम होता है, बराबर है, ओके, उसको हाइड्रोकोटाइल मीनिंग बोलते हैं।
और इसके पीछे आप जो प्लांट देख रहे हो वो मैं बोला था कि एकदम कॉमन प्लांट है, बहुत ब्यूटीफुल प्लांट है, नेचर है। ओके आप स्केप देख रहे हो, इसमें स्टोन लगा हुआ है, खाली ऐसा सोचा था कि एक नेचर में कैसा हम लोग देखेंगे, बस लग रहा है कि ओके नेचर। यहाँ पे देख रहा हूँ मैं स्लोप भी आपने क्रिएट करके रखा है, फुल मतलब नेचर का लुक आ रहा है, क्योंकि जो स्टोन के ऊपर का मैं पार्ट देख रहा हूँ, जूम से दिखा देता हूँ कि स्टोन के ऊपर का पार्ट थोड़ा सा ऊपर का स्लोप है और नीचे का जो स्टोन नीचे आ जाता है तो नीचे का स्लोप है, मतलब जो नेचर में हमको देखने को मिलता है सेम आपने वही रिफ्लेक्शन यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा क्या किया है कि आपका हेयर ग्रास जो है जी जी ओके मिक्स किया है, तो देखने में ऐसा लगता है कि हम लोग नेचर में ही है, नेचर में राइट। और एक्चुअली फिशेस आर लविंग दैट, क्योंकि ऐसा जो सेटअप है तो उनको जो है नेचुरल एनवायरनमेंट का फील आ जाता है उसमें। ओके और राइट साइड के टैंक हम बढ़ेंगे प्लांट्स के ऊपर। सो द नेक्स्ट सेटअप राजन सर क्या बोलेंगे अभी, दिस इज कॉल्ड 45p। ओके 45p जो साइज है आपका एडीए का जी। ओके वो साइज है आपका 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर ये जो है ना ये विथ ओके ये आपका 1.5 फुट 10 इंच और ये जो है आपका 12 इंचेस ये साइज है इसको 45p बोलते हैं। इसमें मैंने जो स्टोन आप देख रहे हो वो मैंने एडीए के स्टोन डाले हुए हैं। ओके वो स्टोन जो है वो आपका सेंसुई रॉक है। सेंसुई रॉक और आप हम लोग ने जो लिखा था 75B में बराबर है, थोड़ा सिमिलर रॉक है लेकिन ये रॉक थोड़ा सा हल्का रहता है बराबर, थोड़ा रफ रहता है हाँ। और ये इसमें आप अच्छे से अरे इवन आपका मॉसेस वगैरह जो आपको अगर करना है right, तो आप इजीली इसमें कर सकते हो। ओके वो एक्चुअली वो पानी का पीएच थोड़ा मेंटेन रखता है क्योंकि दैट इज लाइट लावा ओनली। ओके वो जब प्लांट देख रहे हो मैंने जो प्लांट कार्पेट किया हुआ है दैट इज परोला, उसको कॉमन नेम में बोलते हैं कि डॉफ हेयर ग्रास करके। ओके ओके और उसके जो रॉक्स के पीछे आप देख रहे हो दैट इज अलोबिया प्लांट। ओके और पीछे जो है पीछे मैंने जो लगाया हुआ है वो ये है अपना हेयर ग्रास, लॉन्ग हेयर ग्रास उसको बोलते हैं बराबर। ओके और वो जो आप देख रहे हो कि सेम हेड्रोगल्डर जैसे प्लांट जो है जी जी बराबर मिक्स किया है एक्चुअली उसको बोलते हैं रेनिकुलस। ओके वो भी काफ़ी ब्यूटीफुल प्लांट है। आप ये जो प्लांट है ना जनरली ऐसा वेल जैसा जैसे जो किधर से आप स्लोपिंग किधर कुछ हम लोग नीचे आ रहे हैं उधर डाल के उसको क्रिएट कर सकते हो, जैसे वेल जैसा क्रिएट कर सकते हो। ओके और राजन सर हर एक टैंक में आपका देख रहा हूँ हर एक टैंक में कुछ ना कुछ नया आपने क्रिएट किया है, नया बनाया, क्योंकि ये टैंक में देख सकते हो यहाँ पे एक स्लोप एक फ्लैट स्टोन्स थे और जिससे जो है स्लोप हमको स्लोप दिखाई देता था, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि माउंटेन शेप्ड रॉक्स हैं पॉइंटेड है ऊपर की तरफ, तो हर एक टैंक में आपने कुछ ना कुछ नया क्रिएट किया जिससे आई कैचिनेस जो है बढ़ जाती है। मैं हमें हमेशा ये चाहता हूँ कि मेरे गैलरी में जो भी आए जी 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 उसको वेरिएशन मिलने मांगता है। राइट राइट आप देख रहे हो मैंने हर एक साइज का टैंक लगाया जी जी बराबर है, मेरे पास आपका 14 इंच से टैंक से लेके 18 इंच में पी है, 18 इंच में एच है मेरे पास, उसके बाद में आपका ये 2 फुट का पी है उसको बोलते हैं किसी पी right, बाद में 90 पी है मेरे पास, मेरे पास आपका 120 पी है 75 पी है, तो मैं क्यों लगाया मैं इसमें अभी समझो कोई भी मेरे पास आ रहा है बराबर तो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको उसमें सिलेक्शन मिल जाता है कि मेरे टैंक में कौन सा टैंक मेरे घर में या ऑफिस में जो भी है कौन सा टैंक सूट कर रहा है उसको एक आइडिया मिल जाता है। राइट इधर देखते हैं हम लोग को मालूम पड़ जाएगा कौन सा टैंक मेरे लिए सूटेबल है उसमें क्या स्केप कर सकते हैं। राइट ओके ऐसा है तो इसलिए मैं वेरिएशन के हिसाब से काफ़ी टैंक लगाया कि उसमें आपको हर एक टैंक में वेरिएशन है, हर एक टैंक में प्लांट्स भी मैंने सब आप अगर प्रॉपर देखोगे मैंने हर एक टैंक में कार्पेटिंग अलग किया हुआ है। राइट कोई भी कार्पेट रिपीट नहीं है, रिपीट एक कार्पेट रिपीट है लेकिन उसको मिक्सिंग किया है। राइट जो रिमिक्स करते हैं वो टाइम में उसको मिक्स किया है जी 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 एससी के साथ में, वो दिखने में काफी ब्यूटीफुल आ रहा है। राइट बराबर ना ऐसा लग रहा है कि नियर स्केप है उसमें उसको वो ये कर रहा है एनहांस कर रहा है ज़्यादा स्केप है। तो यहाँ पे राजन सर एक थोड़ा छोटे साइज का टैंक है जो स्टार्टर हॉबिस्ट होते हैं जिनको नेचर एक्वेरियम से स्टार्ट करना है उनके लिए काफी मतलब सजेस्टेड है रिकमेंडेड है, क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? ये जो टैंक है ना ये एक्चुअली 14 इंच का टैंक है एडीए का। ओके इसको बोलते हैं मिनी एम बोलते हैं बराबर है। अब इसमें जो प्लांट देख रहे हो ना जी जी। वो जो प्लांट है वो उसको बोलते हैं एलेंटाइन हाइड्रोपाइपर। अगर आप इसको ग्लोसो से कंपेयर करेंगे तो एक ग्लोसो जैसा ही प्लांट है, इसका जो लीव्स जो है वो थोड़ा ड्रॉप आता है और ग्लोसो का लीव थोड़ा बड़ा आता है। okay. और इसका थोड़ा डिमांड भी ऑलमोस्ट ग्लोसो जैसा ही है जी जी वेरी हाई लाइट बराबर बाद में वेरी हाई CO2 एंड कोल्ड वाटर एक्चुअली। ये प्लांट को अगर आप 26 एफ देते हो तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। okay. इसमें आप देख रहे हो थोड़ा सा इसमें इश्यूज है। okay. क्या होता है मालूम है क्योंकि इसमें रोटेशन नहीं है टाइम में। okay. इसे थोड़ा हल्के आ सकता है
तो आपको ये कहना चाहो कभी भी आपका प्लांट जो पानी जो है में वो ऑलवेज मूविंग मांगता है, तो जो फिल्टर जो है ना ये थोड़ा सा इश्यूज है, इसके लिए आप देख रहे हो अलग ही है लेकिन वो अगर आप इसमें कौन सा और कुछ फिल्टरेशन ये करता फ्लो अगर डाइवर्ट करता उसका रोटेशन लगाता हूँ ये प्रॉब्लम क्लियर होता है। स्टार्टिंग में थोड़ा ये प्रॉब्लम रहता ही है, तो पीछे आप जो देख रहे हो बराबर दैट इज टिप टॉप ओके पिंक पैंथर बोलते हैं उसको, जो लेटेस्ट प्लांट है और वेरी रेयर प्लांट, वेरी ब्यूटीफुल प्लांट ओके क्लास यानी क्रिप्टोस में नया वैरायटी रेड कलर का ओके और काफी अच्छा दिखता है प्लांट, दैट इज कॉल्ड रेड पैंथर ओके पिंक पैंथर सॉरी ओके। और ये फिश का नाम जानना चाहूंगा मैं, काफी खूबसूरत फिश दिख रही है, रामारोजी रामारोजी ओके। और आप रॉक जो देख रहे हो ड्रैगन रॉक ओके। So now we'll be covering the last setup aquarium of Aakar Nature Aquarium Gallery. Rajan sir, बहुत ही कमाल का सेटअप लग रहा है और जोरा वर्टिकल में इसका जो मैं देख रहा हूँ लंबाई वो ज्यादा दिख रही है, क्या मतलब अनकॉमन है इस टैंक? एक्चुअली ये जो टैंक एडी का टैंक है एच सीरीज का टैंक है ओके एच फॉर हाइट ओके। अगर आप देख रहे हो तो टैंक का साइज जो है ना जी ये आपका 45 सेंटीमीटर बाय ये आपका 30 सेंटीमीटर बाय 45 सेंटीमीटर यानी इसका लेंथ और हाइट सेम है जी जी। देखने में वो टैंक का ब्यूटी इतना क्लास लगता है ना कि देखने में ऐसा लगता है टैंक ह्यूज टैंक है करके okay. आपने इसके पहले मैं आपको 45 भी बताया जी जी सेम लेंथ है इसका ओके okay. हाइट जो है ना उसका हाइट जो है 12 इंच से इसका हाइट है 18 इंच लेकिन दिखने में टैंक ऐसे ह्यूज लगता है जी जी। तो आप कभी भी अगर देखेंगे तो प्लांटेड टैंक में टैंक का हाइट बहुत यानी क्लास दिखता है राइट। फॉर एग्जाम्पल उसका हाइट 12 है इसका हाइट 18 इंच मोस्ट फेवरेट प्लांट, इसलिए मैंने काफी जगह प्लांट लगाया हुआ जी जी जी। बराबर है और राइट साइड में आप देख रहे हो दैट इज एक्चुअली पिंक रोटल ऑफ पिंक ओके दैट इज कॉल्ड रोटल ऑफ पिंक। और ये अनुबीएस लगाया हुआ है मैंने okay. नीचे वो जो अनुबीएस बीच आप जो देख रहे हो खाली वो स्टैंड में लगाया हुआ नहीं है, वो एक्चुअली धावा रॉक पे लगाया हुआ है okay. क्योंकि जनरली अनुबीएस एक्चुअल प्लांटिंग सॉइल में होता नहीं है mm-hmm. उसको कुछ बेस मंगता है इसलिए मैंने उसको धावा पे डाला हुआ है। अनुबीएस आप ड्रिपफुट पे डाल सकते हो ये मैंने धावा पे डाला हुआ है ओके। थैंक यू सो मच राजन सर, हमें आपके सारे नेचर एक्वेरियम्स दिखाने के लिए, और बोलना चाहूँगा कि काफ़ी खूबसूरत आई कैची सेटअप्स है आपके पास और हर एक एक्वेरियम में मैं देख रहा हूँ कि कुछ ना कुछ नया कुछ ना कुछ अलग स्किल्स आपकी दिख रही है जो बेसिकली आपके नॉलेज को दर्शा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें सारे एक्वेरियम दिखाने के लिए जी। तो ये थी नेचर एक्वेरियम गैलरी जो बोरीवली ईस्ट में है, आकार एक्वेरियम नेचर गैलरी, और इनके पास यहाँ पे आप देख सकते हो वॉल फुल ऑफ ADA प्रोडक्ट्स, यहाँ पे आपको A to Z ADA प्रोडक्ट्स मिलेंगे जैसे कि आप यहाँ पे सामने देख सकते हो। और इस गैलरी का एड्रेस अलॉन्ग विद द फ़ोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अगर आपको कोऑर्डिनेट करना है तो आप कॉल या मैसेज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। So this was Aakar Nature Aquarium Gallery that is located in Borivali West. If you like this video, do hit the thumbs up button and make sure you stay tuned to watch some more upcoming interesting videos coming soon on SJ Inceptions. If you like this video, do hit the thumbs up button and make sure you stay tuned. Thank you so much for watching and have a nice day. This was Aakar Nature Aquarium Gallery.